गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आप सब कैसे हैं, मजे में ना? अभी आज हम स्टैंडर्ड 7 के यूनिट 2 के एक्टिविटी नंबर 1AB और 2AB ले रहे हैं। आप नोटबुक बॉल पेन सब लेके बैठ जाइए, और हाँ, मास्क लगाना भूलना मत। लेट्स स्टार्ट। अभी यूनिट 2 में एक्टिविटी नंबर 1A है ना, उसके अंदर देखो क्या दिया है। एक हैप्पी बर्थडे की पार्टी है, उसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 बच्चे और वे पार्टी बना रहे हैं, बराबर। उसके अंदर राकेश नाम का जो लड़का है उसका बर्थडे था। ये फोटोग्राफ आप देखो और उसके आधार पर ट्रू और फेल्स लिखो। अभी पहला सेंटेंस है, दिस इज द पिक्चर ऑफ गार्डन। तो ये गार्डन का पिक्चर नहीं है, तो फेल आएगा। द बर्थडे बॉय वॉज इन द मिडल। जिसकी बर्थडे है राकेश, वो कहाँ खड़ा है, बीच में खड़ा है ना, तो इन द मिडल, तो ये ट्रू है। देखो मैंने आंसर भी साथ में लिखे ही दिए है, बराबर। 3, द केक वॉज नॉट कट। केक अभी कटा नहीं है, हाँ नहीं कटा है। 4 नंबर, देर वेर 4 फ्रेंड्स इन द पार्टी। पार्टी में कितने फ्रेंड्स हैं राकेश के, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 फ्रेंड्स है, तो ये भी सच है, तो ट्रू आएगा। 5, ऑल वॉर द पेपर कैप्स। सबने पेपर की टोपी पहनी है ना, हाँ सबने पहनी है, तो ट्रू। 6 नंबर, द केक वॉज ऑन द चेयर। केक कहाँ रखी है, कुर्सी पर रखी है क्या, नहीं ना, टेबल पर रखी है, तो ये फेल, गलत है, एफ आएगा, बराबर ना। ऑल वेयर ईटिंग द केक, सब केक खा रहे हैं। केक कटी नहीं है तो खाएंगे कैसे, तो ये भी फेल है। द बर्थडे बॉयज फादर वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। जिसकी बर्थडे है राकेश, उसके पिताजी पार्टी में है क्या, नहीं है ना, तो आएगा फेल्स। 7, तो एग्ज़ाम में इस तरह से आपको आ सकता है, चित्र देंगे साथ में, और साथ में ये ट्रू और फेल्स लिखने का आएगा। सच्चा अगर सेंटेंस है तो ट्रू लिखने का, यानी टी, और अगर गलत है, रॉन्ग है, तो उसके लिए एफ लिखने का, बराबर। यहाँ एक पैसेज है, ये एक्टिविटी नंबर 1B है, 1B। इसके अंदर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका उनके जीवन का बचपन का एक प्रसंग दिया गया है, तो हमें वो प्रसंग को ध्यान से पढ़ना है, बराबर। सबसे पहले ये मैं प्रसंग पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनो और मेरे साथ पढ़ते जाओ। ए बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। हिज मदर आस्क्ड, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट। द बॉय सेड, नो मदर। कॉल हिम एंड सर्व हिज ब्रेकफास्ट। मदर
उसकी मम्मी ने उसको बुलाया और उसको नाश्ता दिया. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट. वो ब्रेकफास्ट खाने ही वाला था. देन द बेगर केम टू द डोर. और उतने में ही एक भिखारी उसके दरवाजे पे आया. ही सेड, उसने बोला, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट. मेहरबानी करके मुझे खाने को कुछ दीजिए. द बॉय लुक्ड एट द बेगर. बच्चे ने भिखारी की ओर देखा. ही लुक्ड रियली वेरी पुअर एंड हंग्री. वो सचमुच बहुत गरीब और भूखा लग रहा था. ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेकर. उसने अपना नाश्ता भिखारी को दिया. द बेकर वॉज वेरी हैप्पी. वो भिखारी बहुत खुश हो गया. दिस बॉय वॉज लेटर नॉन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ये लड़का आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से बहुत प्रख्यात हुआ. तो ये जो स्टोरी है ना, उसको बराबर आप ध्यान से पढ़ो. आपको पढ़ने के लिए मैंने इसमें ये स्टोरी भी रखी है. वही स्टोरी है थोड़े बड़े अक्षर में, तो भी आप उसको ध्यान से पढ़ लेना. बराबर. अब ये जो स्टोरी है ना, उसको चित्र में भी बताया है, तो हम ये भी लेते हैं. ए बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो. एक लड़का खिड़की के पास में टेबल पर बैठा है. ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क. वो अपना गृह कार्य कर रहा है. इतने में उनकी मम्मी आती है और उन्हें पूछती है, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट. क्या तूने तेरा ब्रेकफास्ट किया. बच्चा कहता है, नो. मदर ने उसको, मदर कॉल्ड हीम एंड सर्व हिज ब्रेकफास्ट. उसकी माता ने उसे बुलाया और उसको नाश्ता दिया. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट. वो अपना नाश्ता शुरू ही करने वाला था. इतने में देन द बेगर केम टू द डोर. उतने में एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया. भिखारी ने कहा, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट. मुझे कुछ खाने को दो. द बॉय लुक्ड एट द बेगर. लड़के ने भिखारी की ओर देखा. ही लुक्ड रियली वेरी पुअर एंड हंग्री. वो बहुत ही गरीब और भूखा लग रहा था. ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर. उसने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया.
भिखारी बहुत ही खुश हुआ। ये बॉय आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बने। तो ये आपको स्टोरी कैसी लगी? बराबर, अभी आगे एक्टिविटी नंबर 2 लेते हैं। अभी ये स्टोरी आपने पढ़ी, मैंने आपको सुनाई, आपने भी पढ़ी, तो उसके कुछ विधान है, ये खरे है या खोटे है ये हमें जानना है। एक्टिविटी नंबर 1B के अंदर ये मदर गेव हर ब्रेकफास्ट टू द बेगर। मम्मी ने, माता ने थोड़ा भिखारी को नाश्ता दिया था, वो तो बच्चे ने दिया था, बॉय ने दिया था, तो ये रॉन्ग। द बॉय वॉज स्टडिंग, बच्चा पढ़ रहा था, राइट। नेताजी गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, नेताजी ने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया। द बॉय डिड नॉट ईट एनीथिंग, बच्चे ने कुछ भी खाया नहीं, हाँ पूरा नाश्ता उसको दे दिया था। द बेगर आस्क्ड फॉर सम मनी, भिखारी ने कुछ पैसे के लिए कहा। नो, ये रॉन्ग, भिखारी ने पैसे के लिए नहीं कहा था, खाने के लिए कहा था, है ना। अभी देर आर सम फ्रेज, कुछ यहाँ फ्रेज दिए है। फ्रेज किसको कहते हैं? शब्द समूह को फ्रेज कहते हैं। एक शब्द जैसे 3-4 शब्द से बनता है फ्रेज, शब्द समूह, जैसे 81 ब्लो, 88 ONE और BLOW ब्लो, तीनों शब्द को इकट्ठे करके फ्रेज बना। 81 ब्लो यानी एक ही फूंक से। इन अवर किंगडम ए रिच रिवॉर्ड, बिहाइंड ए ट्री इस तरह के फ्रेज बनते हैं। आप भी मेरे साथ बोलो, 81 ब्लो, इन अवर किंगडम ए रिच रिवॉर्ड, बिहाइंड ए ट्री। एक्टिविटी नंबर 2B, इसके अंदर जिसको बोलते हैं रैमिंग वर्ड्स, उनके स्पेलिंग अलग है लेकिन उच्चार सरीखा है। बीट बीट, लेट लेट, मैट मैट, सीट सीट, गेट गेट, डेड डेड, डीड डीड, मैट मैट, हेड हेड, हिड हिड, फेड फेड, सेट सेट। आप ये वर्ड्स, ये ट्रू और फेल्स जो है आपके नोट में लिखना, और 5 टाइम लिखना, आपका होमवर्क की नोट में भी लिखना, ये आपका होमवर्क भी है। ओके, अभी दूसरे सेशन में मिलते हैं, बाय।